कासगंज जिले के सहावर तहसील के खेड़ा गांव की रहने वाली हैं शीला देवी। आज वो महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। 22 सालों से साइकिल से गांव-गांव जाकर दूध बेचकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। आज उनकी उम्र 62 साल है, लेकिन उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हम किसी पर बोझ नहीं बने और अपना काम किया, अपनी मेहनत से अपना खाया। सुबह 4 बजे उठते हैं हम, और 4 बजे उठ के अपना घर का काम धाम देख के अपने पौयों को चारा डालते हैं, और चारों का पौयों का दूध निकालते हैं, और दूध निकाल कर रख के, और फिर हम अपना बाहर से दूध खरीद के लाते हैं, और दूध लेकर फिर हम जाते हैं साइकिल से। शीला देवी की शादी 1980 में हुई थी। विवाह के एक साल बाद ही पति की मौत हो गई, जिससे उन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। पति की मौत के बाद शीला देवी वापस अपने पिता के घर गांव खेड़ा आकर रहने लगीं। पिता की खेतीबाड़ी में हाथ बटाना शुरू कर दिया, लेकिन एक साल बाद ही उनके पिता और माँ का भी देहांत हो गया। इन हादसों ने शीला देवी को झकझोर के रख दिया, मगर शीला देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दो भैंसे खरीदी और फिर दूध के काम की शुरुआत की। वो पास के कस्बों में साइकिल से दूध बेचने जाने लगी। आज वो 22 साल बाद 62 साल की उम्र में भी साइकिल से घर घर और दुकान दुकान जाकर दूध बेचती हैं। साइकिल से सारा काम करते हैं। तो लगभग कितने गांवों में दे लेती हैं या कस्बों में दे लेती हैं? अमापुर कस्बे में जाते हैं। अमापुर कस्बे में तो लगभग कितने ग्राहक होंगे आपके? लगभग कम से कम 50-60 ग्राहक होंगे हमारे। 50-60 ग्राहक, हाँ। और बचता है वो डेयरी पे दे देते हैं। सर्दी हो या गर्मी, शीला देवी सुबह 4 बजे उठ जाती है। गायों का चारा काटना, घर की साफ सफाई से लेकर सारा काम खुद ही करती है। उसके बाद दूध की बड़ी कैनों को साइकिल पर लादकर 5 किलोमीटर दूर अमापुर कस्बे में जाकर ग्राहकों को दूध बेचती हैं। फिर दोपहर 2:30 बजे घर वापस आकर अपने लिए खाना भी बनाती हैं। अच्छा, इसके बाद भोजन वगैरह की व्यवस्था कौन करता है? क्या बहुएं हैं या आप भी करती हैं? अपने आप करते हैं। कैसे, क्या करती हैं बताइए? अपने आप बनाते हैं खाना, और खाना बनाकर 4 बजे खाना खाते हैं, 4 बजे 3:30 बजे। उसके बाद शाम को लौटते हैं हम 7 बजे। अपने मेहनत के बल पर शीला देवी आज लोगों के लिए आदर्श बनी हुई हैं। क्षेत्र के लोग आदर से उन्हें शीला बुआ कहकर पुकारते हैं। हालांकि शीला देवी को सरकार से कुछ शिकायतें भी हैं। योगी सरकार से हमारा यही कहना है कि हमारी पेंशन भी कट गई है, और जो 5 लाख का कार्ड बनता है वो भी हमारा नहीं बना है। स्वास्थ्य विभाग का और 2000 रुपये जो आ रहे थे खेती किसानी के, वो भी नहीं आ रहे हैं। आपने अप्लाई करी थी? अप्लाई की थी हमने 2 बार, और वो भी नहीं आ रहे हैं। हमारा कोई है नहीं, हम जाके साइकिल से दूध बांटते हैं। योगी सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारा सहयोग करें। शीला देवी का हौसला देखकर उनको सैल्यूट करने का मन करता है। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अब बारी है प्रशासन की और सरकार की। जो उनकी योजनाएं हैं उनका लाभ शीला देवी तक पहुंचाएं, और जो परेशानी वो झेल रही हैं उनसे उन्हें मुक्त कराएं। मुझे आशा है कि ईटीवी भारत के माध्यम से सरकार और प्रशासन उनकी इस मांग को सुनेगा और जल्द ही उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएगा। कासगंज से ईटीवी भारत के लिए मैं प्रशांत शर्मा।